गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस इज योर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर. अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस यू हैव टू स्टडी 4 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री. द फर्स्ट चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, द सेकेंड वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड इज कोल एंड पेट्रोलियम एंड द फोर्थ वन इज कंबशन एंड फ्लेम. We have to study these 4 chapters according to your NCERT syllabus. So let's start with the first chapter, synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers and plastics. Let us start with synthetic fibers. Now first of all, you must know what is a fiber. A fiber is a thin thread. एक बहुत पतला thread जो artificial भी हो सकता है. Artificial कहने का मतलब है कि वो man-made. वो nature से नहीं निकला है. It is man-made. It is a chemical substance. तो वो thin thread जो है, आप कभी-कभी क्या होता है, आप ये हमारी सब्जियों के या हमारे पेड़ों, जो हमारे घर में पेड़ होते हैं, उन सब में कभी कभी आप रेशे देखते होंगे, बहुत पतले थिन थिन थ्रेड जिसको हम रेशे बोलते हैं. एक्चुअली दैट इज फाइबर. तो वो जो फाइबर है वो बिल्कुल थिन थ्रेड, बिल्कुल
जो आर्टिफिशियल ओरिजिन का हो सकता है और नेचुरल ओरिजिन का हो सकता है। नेचुरल ओरिजिन मतलब जो हमें प्रकृति देती है, जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी ऑफ अ नेचुरल ओरिजिन और आर्टिफिशियल ओरिजिन। स्पेशली हम फाइबर उस तरह के थिन थ्रेड को बोलते हैं जिसका यूज, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं कपड़े बनाने में या रस्सियां बनाने में। स्पेशली ये फाइबर वर्ड, ये जो फाइबर वर्ड है वो स्पेशली यूज किया जाता है उस आर्टिफिशियल या नेचुरल ओरिजिन के थिन थ्रेड्स के लिए जिसको स्पेशली या तो कपड़े बनाने में हम यूज करते हैं या रोप बनाने में यूज करते हैं। अ फाइबर इज अ थिन थ्रेड आइदर ऑफ अ नेचुरल ओरिजिन और ऑफ अ आर्टिफिशियल ओरिजिन दैट इज स्पेशली यूज टू मेक क्लॉथ और रोप। हमारा फाइबर दो तरह का होता है, हमने देखा आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। हमें प्लांट्स या एनिमल्स से जो फाइबर्स मिलते हैं उन फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। इन फाइबर्स को काटा जाता है, पहले इन फाइबर्स को काट के जो स्पनिंग का हिंदी है स्पनिंग, स्पन का मतलब होता है काटना, जो हम चरखे पे देखते हैं रुई को वो यूज करके और वो काट के उसको पहले थ्रेड में चेंज करते हैं और उस थ्रेड को बाद में निट करके वीव करके कपड़ों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े बनाए जाते हैं। पहले इन फाइबर्स को स्पन करके थ्रेड्स में चेंज किया जाता है एंड देन दीज थ्रेड्स आर फर्दर यूज टू मेक रोप और क्लॉथ्स। तो जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो वैसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं उनका बेस सेल्यूलोज होता है, वो एक सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर्स होते हैं। वो जो फाइबर्स बने होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल्यूलोज स्ट्रक्चर होता है। और प्लांट से जो हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं उनके क्लास में आते हैं कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट, ठीक है। और एनिमल्स से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं उनका बेस प्रोटीन बेस होता है और दोज इंक्लूड्स वूल। वूल हमें कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है, सबको पता है। सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म से हमें सिल्क के फाइबर्स, जो फाइबर्स मिलते हैं और फिर हम उनसे सिल्क के धागे बना के उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, मोहर। इन सब का ओरिजिन जो है वो एनिमल ओरिजिन का है। एनिमल ओरिजिन का होने का मतलब है कि इन सब का जो बेस है वो एक प्रोटीन बेस है। नेचुरल फाइबर्स हमें एनिमल से भी मिल सकते हैं और प्लांट से भी मिल सकते हैं। जो प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं उनका बेस सेल्यूलोज होता है, दे आर बेसिकली सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर। जो और जो सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर में बेसिकली हमारा जो इंक्लूड होता है नेचुरल फाइबर्स में वो है कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। और जो हमें एनिमल से नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं एंड दीज बेसिकली इंक्लूड वूल, मोहर एंड सिल्क। नाउ लेट्स कम टू सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स फाइबर्स भी कहा जाता है। एंड सिंस ये फाइबर्स हमें नेचर
artificial fibers. Natural fibers are those which we obtain from nature. Nature means we obtain them from plants and animals. Plant-based fibers are cellulose-based and animal fibers are protein-based. Synthetic fibers are those fibers which are man-made fibers produced with the help of chemical substances. Since these are not natural, since we don't get these fibers directly from nature, that is why these are also called artificial fibers. Let's come to structure of synthetic fibers. Let's study the structure of a synthetic fiber. एक synthetic fiber जो है वो chemical units, वो छोटे छोटे chemical units से जुड़ के बना हुआ एक बड़ा सा
पॉलीमर है, एक बड़ा सा चेन, एक सिंथेटिक फाइबर छोटे छोटे केमिकल यूनिट से जुड़ के बना हुआ एक लंबा सा चेन है। सिंथेटिक फाइबर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स को मैंने बताया कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। क्लियर? यानी सिंथेटिक फाइबर्स का जो बेस है, द बेस या जो उनका नीव है, जो उनका बेसिस है, जो उनकी ईट है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये उस सिंथेटिक फाइबर की एक एक ईट का काम करते हैं और वो एक एक यूनिट, एक एक ईट की तरह है जो जुड़ते 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 एक लंबी चेन बना देती है। वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो जुड़ के लंबी सी चेन बना देती है, उन स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स। और इन स्मॉल यूनिट्स के जुड़ के बनने से जो लंबी सी चेन बन गई, इस चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। मोनोमर मीन्स मोनो, मीन्स मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट्स, पॉली मीन्स मेनी यूनिट्स, मर मीन्स यूनिट्स, मोनोमर मीन्स वन यूनिट, पॉलीमर मीन्स मेनी यूनिट्स। एक एक यूनिट, एक एक केमिकल यूनिट जुड़ते 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 लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स बहुत सारे यूनिट्स, मोनोमर मीन्स एक यूनिट, और जो लंबी चेन है जिसमें बहुत सारे छोटे 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 मोनोमर्स मिले हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो हम इस तरह पॉलीमर को डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड मोनोमर्स व्हिच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज चेन कॉल्ड पॉलीमर। क्लियर है सबको? अ पॉलीमर एक लॉन्ग चेन होता है मोनोमर्स का। मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर फाइबर को बनाते हैं। किसी हर पर्टिकुलर फाइबर में एक पर्टिकुलर केमिकल इन्वॉल्व होता है, तो उस पर्टिकुलर फाइबर का जो छोटा केमिकल यूनिट है, जो बेस है, जो पहली ईट है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। वो केमिकल यूनिट है मोनोमर। और ये ईट जुड़ते जुड़ते, जैसे ईट जुड़ते जुड़ते पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, उसी तरह ये छोटे छोटे मोनोमर्स जो हैं, वो आपस में मिलके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दीज पॉलीमर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स। वो प्रोसेस जिससे हम मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल मोनोमर्स इनटू अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का, पॉलीइथीलीन या पॉलीइथीन, जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं, उस पॉलीइथीलीन, पॉली मीन्स मेनी, पॉलीइथीलीन, करेक्ट, पॉलीथीलीन और पॉलीइथीन, पॉली मीन्स तो मेनी हो गया, और इथीलीन जो है वो एक केमिकल यूनिट है। पॉलीइथीलीन इज अ केमिकल, एक यूनिट है इथिलीन, पॉलीइथिलीन मतलब वैसे वैसे ढेरों यूनिट जुड़ के वो एक सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज पॉलीइथिलीन। क्लियर है? ये पॉली मींस मेनी, इथिलीन एक केमिकल है जो एक मोनोमर हुआ, और इस तरह के ढेर सारे इथिलीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बनाते हैं पॉलीइथिलीन। तो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
Now let's start types of polymerization. Basically, there are three types of polymerization: linear polymerization, cross-linked polymerization, and branched chain polymerization. First, let us see linear polymerization. These are polymers in which monomeric units are linked together to form a linear chain. आपने कभी मोती की माला देखी है? तो उस मोती की माला में एक-एक मोती को पिरोके लंबी सी माला बनाई जाती है। अगर हम उस माला को राउंड ना करें, एक लंबी सी माला, सिर्फ उसमें एक-एक-एक मोती को जोड़के, उनमें कहीं कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक-एक मोती जोड़के वो लंबी सी मोती की माला बनती है। That is linear polymer, जिसमें छोटे-छोटे-छोटे-छोटे units, छोटे-छोटे, यानी monomers, एक-एक monomers आपस में जुड़ते हुए polymerization का process करते हुए पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग चेन, बिल्कुल सीधी सी लंबी सी चेन, एक एक मोनोमर जुड़ रहा है और जुड़ के एक सीधी सी लंबी सी पॉलीमर की चेन बना रहा है, लीनियर चेन बना रहा है। इस तरह के पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। इस लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि एक सीधी सी लाइन है, कुछ भी नहीं है, ये एक पॉलीमर हुआ, इसके ऊपर ये दूसरा, इसके ऊपर ये तीसरा, इसके ऊपर ये चौथा। क्योंकि लीनियर पॉलीमर में सिर्फ लंबी लंबी चेन होती है, ना कहीं कोई ब्रांचिंग है, ना ही कहीं कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, इट्स सिंपल, इट इज अ सिंपल चेन, इट इज अ सिंपल लीनियर चेन। तो वो एक दूसरे के ऊपर जब ये पॉलीमर्स के चेन बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये बिल्कुल स्टैक कर जाते हैं। स्टैक करने का मतलब है थाक लगाना। आपने किताबों को कभी स्टैकिंग किया, थाक जो लगाते हैं, तो उस चीजों को हम कहते हैं स्टैक करना। तो ये जो लीनियर पॉलीमर्स के चेन है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्टैक हो जाते हैं। क्योंकि ये लीनियर चेन है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं और एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं। टाइटली पकड़ के रखने के कारण क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनके इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सॉलिड स्टेट में है, इस सॉलिड है, एकदम टाइटली पैक्ड है। इनको अलग करने के लिए, इनको मेल्ट करने के लिए इनके बीच दूरी बढ़ानी होगी। क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, इनके बीच की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगेगी इसको मेल्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी इसको हटा, इनको एक दूसरे से अलग करके इनको मेल्ट करने। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नाउ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? अगर हम किसी भी फाइबर से कोई एक वेट लटका दें, ठीक है, अगर हम एक कॉटन का फाइबर ले लें और एक सिंथेटिक कपड़े का धागा ले लें और एक कॉटन का धागा ले लें और उससे हम सम इमेजिन हमने 50-50 ग्राम का कोई भी वजन उनमें बांध के उनको लटका दिया, तो इन दोनों में से जो धागा, जो फाइबर ज्यादा देर तक बिना टूटे रह जाएगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, करेक्ट? यानी हमने दो धागा लिया, एक नेचुरल फाइबर, एक कॉटन का लिया और एक सिंथेटिक लिया, दोनों धागों में हमने 50-50 ग्राम का वेट बांध के उन धागों को लटका दिया है। इन दोनों धागों में से जो धागा ज्यादा देर तक बिना टूटे रह पाएगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब लीनियर पॉलीमर्स के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, यानी वो बिना टूटे वेट पे बहुत देर तक टिका रह सकता है। क्यों? टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर थाक लगाते हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली एक तरह एक दूसरे से चिपका हुआ है, एक दूसरे से पूरी तरह चिपका हुआ होने के कारण ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। फिर वही बात है कि इस स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, इजीली ये टूटने वाली फ्रेंडशिप नहीं है। इसी वजह से बहुत हाई होती है क्योंकि इस मजबूती को तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी। दैट्स व्हाई दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि ये एक बॉक्स है, ये एक
1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सब कंप्लीट डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स है। इसके अंदर 7 ट्रॉफीज है और इसके अंदर 10 ट्रॉफीज है, ठीक है। हर ट्रॉफी का वेट 1 ग्राम है, करेक्ट। तो हर ट्रॉफी का वेट 1 ग्राम है, तो 7 into 1 is equal to 7 ग्राम और यहाँ 10 into 1 is equal to 10 ग्राम। अब हम कह रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट। तो यहाँ डेंसिटी हो गई 7 by volume, होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और हमने स्क्वायर बॉक्स लिया है तो उसका सेम डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो 7 into, और ये हो गया 10 by 1, दैट इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस बॉक्स की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर टॉफीज ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो लीनियर पॉलीमर के केस में क्या होता है, लीनियर पॉलीमर के केस में क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, एकदम कड़ा टाइटली पैक्ड है, तो अगर हम बिल्कुल टाइटली पैक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम एक छोटे से एरिया, अगर हम इसमें से एक छोटा सा, सपोज ये एक 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 लेयर करके ये बना है, ये हमारा लीनियर पॉलीमर का स्टैकिंग है, अगर हम इस छोटे से एरिया का अगर डेंसिटी निकालें तो इसके अंदर तो बहुत सारे मोनोमर के यूनिट निकलेंगे ना। अगर यही जो हमारे मोनोमर के यूनिट है इतनी इतनी दूरी पर होते, इतने नज़दीक नहीं होते, इतनी इतनी दूरी पर अगर पॉलीमर के यूनिट होते, तो उस समय जो छोटे से एरिया में मोनोमर्स होते उनसे ज़्यादा तो इस समय है ना, जब एक दूसरे के ऊपर एकदम टाइटली पैक्ड है, तो सोचो इतने छोटे से एरिया में इस समय मोनोमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, या जब ये ऐसे रहेंगे तब मोनोमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है कि अगर हम टाइटली पैक्ड लेंगे तो मोनोमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एक एक एरिया में। अगर हम 1 सेंटीमीटर का एक एरिया ले लें, 1 सेंटीमीटर यूनिट का, जिसमें लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, तो अगर हम वैसा यूनिट ले लें एकदम टाइटली पैक स्ट्रक्चर में और थोड़ा इतनी इतनी दूरी पर वाले स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, जब जो टाइटली पैक स्ट्रक्चर है उनमें नंबर ऑफ मोनोमर्स उतने से एरिया में ज्यादा होंगे ना कि इसमें, करेक्ट। यानी नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्यादा होंगे तो लीनियर पॉलीमर्स के केस में डेंसिटी भी हर हाल में ज्यादा होगी, करेक्ट। यहाँ डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोनोमर्स इसमें और यहाँ, ये जो टाइटली पैक है ये बिल्कुल टाइटली पैक है और ये थोड़ा लूजली पैक है, तो इसमें मोनोमर्स ज्यादा होंगे या उतने ही एरिया में इसमें मोनोमर्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली इससे ज्यादा मोनोमर्स अगर हम एरिया सेम लें तो इससे ज्यादा मोनोमर्स हमें टाइटली पैक स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं, इसी वजह से हमारा लीनियर पॉलीमर्स की डेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्यादा है मतलब वहां मास ज्यादा है, और हमारा वॉल्यूम तो दोनों यहां और यहां वॉल्यूम दोनों का सेम है, नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्यादा है मतलब वहां मास ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ मोनोमर्स कम है मतलब मास इसके कंपैरिजन में यहां कम है, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, मास यहां ज्यादा है तो डेंसिटी हमारी ज्यादा है, दैट इज व्हाई लीनियर पॉलीमर्स के केस में हमारी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो लीनियर पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें हमारे मोनोमर्स छोटे 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 यूनिट्स जो मोनोमर्स के होते हैं वो मिलकर लॉन्ग लीनियर सिंपल चेन बनाते हैं पॉलीमर, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, और दीज पॉलीमर्स आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल थाक लगा के एक दूसरे के ऊपर टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। सेकेंड वन इज ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन। ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन, इस पॉलीमर्स में क्या होते हैं कि मोनोमर्स जो हैं वो छोटे 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 मोनोमर्स जो हैं हमारे वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन वहाँ लीनियर चेन ना होके उन चेन्स में थोड़ी ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग मतलब चेन्स में ब्रांच निकलने लगते हैं, क्लियर है। वहाँ लीनियर पॉलीमर्स के केस में हमारी सिंपल चेन थी जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन यहाँ ब्रांच चेन के केस में एक लंबी
ब्रांचेस निकल रहे हैं. लुक जस्ट लाइक दिस, उन चेन्स में से ब्रांचेस निकल रहे हैं. अब ब्रांचेस निकल गए हैं तो जब ये इस तरह के पॉलीमर एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करेंगे तो वो क्या टाइटली पैक हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये ब्रांचेस उनके बीच में आएंगे. तो कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, ब्रांचेस के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होगा, लेकिन ये टाइटली पैक नहीं हो पाएंगे. These are the polymers in which monomers are joined to form long chains with side chains or branches of different lengths. और ये जो branches होंगे, ये सारे के सारे branches की length एक नहीं होगी. कोई छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा भी होगा, कोई मुड़ा हुआ होगा, any time ये branches किसी भी तरह के हो सकते हैं. तो क्या होगा, जो दूसरा इसके ऊपर आएगा branch chain polymer, वो ऐसे आ जाएगा, हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है ऐसे आ जाए. तो किसी भी तरीके से वो प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग नहीं कर पाएंगे. तो इस कारण से इनका जो पैकिंग का स्ट्रक्चर होगा, जो इनमें यहाँ जो पैकिंग की स्ट्रक्चर है वो तो टाइटली है, लेकिन ब्रांच चेन के स्ट्रक्चर में वो थोड़ा ऐसे ऐसे. अब ऐसे से क्या होगा, ऐसे है ये टाइटली, तो ऐसे है, इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, तो इसके बीच में आना फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन ऐसी फ्रेंडशिप है कि कोई अगर दूसरे फ्रेंड के बारे में कोई तीसरा आपने कुछ बोल देता है तो उसको डाउट होने लगता है कि अरे उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, बहुत होता है. ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं होती है. वही केस यहाँ ब्रांच चेन पॉलीमर्स के केस में है कि फ्रेंडशिप है पर थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है फ्रेंडशिप. तो वो जरा सा उस पर वजन दिया तो वो टूट जाता है, जरा सा उसको हीट सप्लाई की गई तो वो मिल गया. That is why brown chain polymers के केस में melting point भी low होता है और tensile strength भी low होता है. Correct? Now the third one is cross link polymerization. Actually cross link polymerization एक तरह का branch chain ही है, लेकिन branch chain में क्या होता है, branch इनकी branching में क्या होती है, बिल्कुल three dimensional structure है. चारों तरफ इधर भी branch, इधर भी branch, इधर भी branch, मतलब just imagine कि ये जो मोनोमर्स, ये जो पॉलीमर्स बनते हैं चारों तरफ इनके ब्रांचेस होते हैं. तो ये जब दूसरे से अटैच होंगे, कोई इधर से ऐसे 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 एक दूसरे में घुसने लगते हैं, तो एक दूसरे में घुसते घुसते ये बिल्कुल एक नेटवर्क बना लेते हैं. आपने कभी जाल ही देखी होगी, जाल जाल बैडमिंटन का नेट देखा होगा, बैडमिंटन के नेट कभी उलझ जाए तो उसी को सुलझाना कितना मुश्किल का काम है. सिंपल यही सेम थिंग है यहाँ. क्रॉसिंग पॉलीमर में ये ब्रांचेस ना एक दूसरे के अंदर घुसने लगते हैं, घुसते 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 एकदम टाइटली ऐसे ऐसे बना लेते हैं, बिल्कुल एक दूसरे में घुस जाते हैं, चारों तरफ से थ्री डायमेंशनली एक दूसरे में घुसने लगते हैं, बिल्कुल जाल की तरह बन जाए. जब जाल उलझ जाए तो वो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे क्रॉस लिंक पॉलीमर. तो क्रॉस लिंक पॉलीमर में ये जाल जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इस जाल जैसा स्ट्रक्चर बनने के कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग होती ही है, मतलब ये जल्दी टूटती नहीं है वेट के प्रेशर में, लेकिन दूसरा ये नेटवर्क बहुत ऐसा होने से ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत बहुत हार्ड हो जाते हैं. हार्ड इतने हार्ड होते हैं ये कि इनको अगर हैमर किया जाए जल्दी नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर हैमर किया जाए तो ये टूटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं. ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को हैमर करें तो वो टूट के टुकड़ों में बिखर जाते हैं, बचकेगी नहीं, इट विल जस्ट ब्रेक इन टू पीसेस. तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में हार्ड होते हैं. आप लोगों ने देखो मेलामाइन हमारे घर में काफ़ी यूज होता है, मेलामाइन की ट्रॉफीज यूज होती है, मेलामाइन की पेस्ट यूज होती है. तो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो आप घर पे करके मत देखना, बट मैं बता रही हूँ कि अगर आप उनको हैमर करोगे तो दे विल जस्ट ब्रेक इन टू पीसेस, क्योंकि उनमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत हार्ड होता है और ये हार्डनेस उनको बहुत ब्रिटल बना देती है. ब्रिटल का सीधा मतलब है कि अगर उनको हैमर किया जाए दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर.
Now let's see the advantages of synthetic fibers. Synthetic fibers are strong, that is they have high tensile strength. देखो crosslink polymer हो, branched polymer हो या linear polymer हो. If they are synthetic fibers, अगर वो synthetic fibers हैं, तो उनकी tensile strength in comparison to natural fibers ज़्यादा strong होगी. Synthetic fibers की tensile strength हर हाल में सिंथेटिक फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ नेचुरल फाइबर से हर हाल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो इस वजह से सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो लोड ज्यादा ले पाते हैं, दे कैरी मोर लोड्स. अगर आप सिंथेटिक कपड़े में कुछ भार बांधो और कॉटन कपड़े में सेम चीज उतना ही भार का बांधो, तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू यूज सिंथेटिक क्लॉथ जस्ट बिकॉज की कॉटन क्लॉथ हो सकता है उतना ज्यादा भार ना सहन कर पाए और वो टूट जाए, फट जाए, नॉट टूट जाए, फट जाए. बट चूंकि सिंथेटिक फाइबर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, तो दे कैन टेक अप हैवी लोड्स वेरी इजीली. सिंथेटिक फाइबर की मेंटेनेंस जो है वो हासिल फ्री होती है. हासिल फ्री मतलब झंझट नहीं है, इट्स कम्प्लीटली झंझट फ्री. तो सिंथेटिक फाइबर की मेंटेनेंस बहुत इजी है, जल्दी रिंकल नहीं होते. तो हर समय हमें जो कॉटन कपड़े पहने हैं तो हम बिना उसको आयरनिंग किए हम नहीं पहन सकते हैं. लेकिन अगर हम सिंथेटिक कपड़ों की बात करें तो हम उसको सिर्फ एक झाड़ देंगे, अच्छे से झाड़ के और फैला के सुखा दें, तो हमें शायद उसे आयरनिंग की जरूरत ना पड़े, हम बिना आयरन किए ही उसको पहन सकते हैं. तो उसका मेंटेनेंस इस कंपनी की हासिल फ्री. सिंथेटिक फाइबर बहुत इजीली अपना शेप रीगेन कर लेते हैं. अगर वो रिंकल कर भी जाते हैं तो झाड़ दो, कुछ भी करो, इजी है. अगर उन्हें आयरन करना भी पड़ा तो सिंथेटिक कपड़ों की आयरनिंग नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बने होते हैं उनसे ज्यादा इजी होती है. वो ज्यादा कम टाइम लेते हैं, ज्यादा कम मेहनत लगती है सिंथेटिक फाइबर्स को आयरनिंग करने में. तो चूंकि उनका मेंटेनेंस झंझट फ्री है, उनको आयरनिंग अगर करना भी पड़ा तो वो इजीली आयरन हो जाते हैं. तो बहुत है, बहुत सीधी सी बात है कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों को पहनना और मेंटेन करना धोना बहुत आसान होता है. सिंथेटिक फाइबर सॉफ्ट होते हैं, आप उनको स्ट्रेच कर सकते हैं काफी देर तक. कॉटन कपड़े को अगर आप उतनी देर तक स्ट्रेच करेंगे तो कॉटन कपड़े फट सकते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर को हम ज्यादा देर तक खींच सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं, टिकाऊ ज्यादा होते हैं और इजिली अवेलेबल है. दूसरी बात, ये इजिली अवेलेबल भी है और नेचुरल फाइबर से हर हाल में सिंथेटिक फाइबर्स लेस एक्सपेंसिव है. नेचुरल फाइबर्स आर कॉस्टली, सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव. सिंथेटिक फाइबर्स बहुत कम वाटर अब्सॉर्ब करते हैं. कम वाटर अब्सॉर्ब कर पाने के कारण सबसे अच्छी बात यह है कि उनको धोना और सुखाना इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट. क्लियर? सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. लेट्स मूव फर्दर टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स.
एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का एक एडवांटेज हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स पानी कम अब्सॉर्ब करता है, पानी कम अब्सॉर्ब कर पाने के कारण उसको दोनों ओर सुखाना बहुत आसान है। बट यही मेरे एक डिमेरिट भी है सिंथेटिक फाइबर्स के लिए। सिंथेटिक फाइबर अगर मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करता है तो वो स्वेट भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। गर्मी के दिनों में बहुत स्वेटिंग होती है और गर्मी के दिनों में सजेस्टिव है कि आप कॉटन कपड़े पहनें, जस्ट बिकॉज कॉटन फाइबर बीइंग अ नेचुरल फाइबर अब्सॉर्ब्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, बट सिंथेटिक फाइबर बीइंग केमिकली प्रिपेयर्ड वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करता है। और मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करने का मतलब है वो स्वेट भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। स्वेट अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो गर्मी में सिंथेटिक कपड़े पहनना इट्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। तो सिंथेटिक कपड़े हम गर्मियों में नहीं पहन सकते। दूसरा कि सिंथेटिक फाइबर बेसिकली जो हमारा सिंथेटिक फाइबर का रॉ मटेरियल है वो हमें बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो हाईली इंफ्लेमेबल होते हैं। तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है वो बने हुए तो केमिकल से, अब केमिकल्स हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहा है तो वो हाईली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इंफ्लेमेबल होते हैं। तो इन द सेंस जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हाईली इंफ्लेमेबल होते हैं, यानी वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। इसी वजह से गैस के पास सजेस्टिव है कि जब आप गैस के पास काम करें तो आप सिंथेटिक कपड़े ना पहने, और अगर आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हैं तो आप उनको टाइटली अपने बदन के साथ बांध के रखें, उनको खुला ना छोड़ें। दिवाली के समय आप लोगों को कहा जाता है कि ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स जस्ट ड्यू टू दिस वेरी रीजन। अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनते एक चिंगारी भी पूरे कपड़े को बहुत भयानक आग लगा सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर्स ना पहने जब आप आग के पास रहे हैं, जब आप क्रैकर्स ब्रस्ट कर रहे हैं तो आप सिंथेटिक कपड़े ना पहने बल्कि आप कॉटन कपड़े यूज करें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर वेरी इजीली। तीसरा डिमेरिट ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब हम किसी भी तरीके से उनको नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते उनकी एग्जिस्टेंस। वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे हम पेपर की बात करें तो पेपर तो हमें पेड़ से मिल रहा है, सब जानते हैं। तो पेपर को हमने मिट्टी में दबा दिया या हमने जला दिया, कुछ भी किया, पेपर खत्म हो गया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर को आप कुछ भी करो, आप उनको जलाओगे तो भी वो कुछ ना कुछ बच जाएगा, आप उनको मिट्टी में भी दबा दोगे तो वो सालों तक वैसे के वैसे रह जाएंगे। यानी हम किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, बाय एनी ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस, हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। दिस कॉजेस हार्म टू नेचर। फोर्थ पॉइंट है जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, किसी किसी को उन फाइबर से एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, दे कैन कॉज सीवियर स्किन प्रॉब्लम्स। दीज वेर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। लेट्स मूव फर्दर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हमारे सिलेबस में चार तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हमें पढ़ने हैं, वो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर एंड एक्रेलिक। हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे।